ओके, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज आपसे कुछ बताना है मेरे को। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो सभी को पता है बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, उसकी वजह से चाइना जो उंगली कर रहा है पूरी दुनिया में कोरोना। दूसरी चीज़ जो बॉर्डर टेंशन है उनकी वजह से पबजी बैन हो गया, ठीक है। पहले क्या हुआ था, चाइना के अंदर भी आप सभी को शायद पता होगा कि पबजी मोबाइल चाइना के अंदर बैन कर दिया गया था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज स्प्रेडिंग हेट्रेड वॉयलेंस। इस तरह के रीजन्स देने की वजह से चाइना के अंदर भी पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया था, स्ट्रिक्टली एंड टू एंड पूरा पबजी गेम हटा दिया गया था चाइना में से, ठीक है। सभी को बता रहा हूँ मैं कि पबजी वॉज बैंड इन चाइना, चाइना के अंदर पबजी बैन कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, बैन कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, एक नया गेम लेके आए सेम पबजी जैसा, पूरा उसका नाम वाम सब चेंज कर दिया, रंग रूप चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत गन वन एमओ एमओ का थोड़ा बहुत एबीसीडी थोड़ा बहुत चेंज किया इधर उधर, और एक नया गेम लेके आए वो लोग। उस गेम का नाम क्या था, उस गेम का नाम था गेम फॉर पीस, ठीक है, गेम ऑफ पीस करके कुछ तो नाम दिया था उन्होंने, गेम फॉर पीस करके नाम दिया था, क्योंकि वहां पे वॉयलेंस की वजह से इस गेम को उन लोगों ने बंद कर दिया था, ठीक है, ब्लॉक कर दिया था। दिस ऐप वॉज ब्लॉक्ड इन चाइना। बट उन्होंने फिर टेंसेंट वालों ने नया गेम निकाला जिसका नाम था गेम ऑफ पीस ऐसे करके, ठीक है। तो बाद में वो गेम आ गया, अभी फिर चाइना के अंदर रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी वर्ल्ड लीग्स होती हैं उसमें आप देखोगे कि चाइना की टीम्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, राइट। चाइनीज टीम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन पबजी मोबाइल टूर्नामेंट्स अभी रिसेंटली, क्यों, क्योंकि उनका गेम दूसरा है, गेम गेम ऑफ पीस और पबजी मोबाइल दूसरा गेम है, ठीक है, दीज टू गेम्स आर डिफरेंट। तो टेंसेंट ने वहां पे एक दूसरा गेम लॉन्च किया, वहां पे सर्वर्स अलग, सब कुछ अलग, डेटा अलग, क्योंकि चाइनीज को लगता था कि अगर पबजी मोबाइल ग्लोबल पे चाइना के बंदे खेलेंगे तो शायद डेटा और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से नई गेम लेके आए वो लोग, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो सकता है, ठीक है, हमारे यहाँ देश में क्या होगा, या तो दोनों कंपनीज ब्लू होल टेंसेंट पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो टेंसेंट के साथ अपने टाइज ब्रेक करे, ठीक है, जैसे कि सीओडी मोबाइल ने किया। सीओडी मोबाइल का डेवलपर भी टेंसेंट ही था, उनकी उन्होंने अपने टाइज ब्रेक किए, इसलिए सीओडी मोबाइल बैन नहीं हुआ है, सिर्फ पबजी मोबाइल बैन हुआ है क्योंकि उन लोगों ने टाइज अपडेट नहीं किए, ठीक है। तो ये सीन है अभी। तो अगर टाइज ब्रेक हो जाते हैं दोनों जो कंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच कुछ तो, वैसे तो अभी अनबैन का कोई सीन है नहीं, बट एक हफ्ते के अंदर अगर वो लोग कुछ तो टाइज ब्रेक करेंगे, और शायद शायद अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमको शायद पबजी दोबारा से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नया गेम लॉन्च होता है तो उसको भी कम से कम 1 से 2 महीने लग जाएंगे डेवलपमेंट में, चीज़ें चेंज करने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने आरपी खरीदी है, क्रेट ओपनिंग करी है, यूसी डाली है, नया नया सब कुछ ड्रेस ड्रूस लिया है, नया गेम आने के बाद वो सब चला जाएगा, आपका सारा डेटा फ्लश आउट हो जाएगा, सब कुछ नया रहेगा, ठीक है। तो अगर अगर तो पुराना ये रहता है, समझ रहे हो, अगर तो पबजी वापस आता है तो कुछ दिक्कत नहीं, आपकी रैंक कॉन्करर है, कुछ भी है, सब रहेगा। लेकिन दिल तो गाइस सभी का टूटा है, मेरा भी टूटा है, मेरा फेवरेट गेम है, सीजन 2 से खेल रहा हूँ, एक सीजन में कम से कम 600-700 मैच खेले। आप इस सीजन में देखो कितने मैच खेले मैंने, जरा चेकआउट करो, देखो 810 मैच खेले हैं इस सीजन में मैंने, 810 हजार मैचेस खेले हैं मैंने इस सीजन में, इमेजिन। अब आप खुद देखो, अप्रॉक्सीमेटली ये सीजन खत्म होते होते 100 मैच तो और खेल ही लेता, 900 के अराउंड मैचेस मैंने पबजी मोबाइल के इस सीजन में खेल लिए हैं, आई हैव डन इट। तो मतलब आप ये सोचो मुझे कितना पसंद था ये गेम, पर्सनली पर्सनली कितना, मतलब मोबाइल पे भी कितना खेला है और पीसी पे तो खेला ही है। तो मेरा तो गाइस दिल टूटा है, बट लग चुके हैं गाइस। देखो जिस जिसके आरपी ली है, सब कुछ लिया है, आई फील सॉरी फॉर देम, आप लोगों ने बहुत पैसे लगाए, लेकिन गलती क्या है ना, गलती किसी हमारी हमारी यूजर्स की तो कोई गलती आई नहीं, द मिस्टेक इज डन फ्रॉम द कंपनी साइड कि उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसीज और ये सब चीज़ें मेंटेन सही से नहीं की हैं, एंड चाइना जो कर रहा है वो सभी को पता है। तो सभी का दिल टूटा है, मेरा भी टूटा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे, आई एम वेरी सैड। मतलब मुझे अभी पबजी मोबाइल के अलावा और कोई गेम स्ट्रीम करने के लिए समझ नहीं आता है, सीरियसली सेइंग, क्योंकि मुझे इस गेम से इतना प्यार है ना, मुझे खुद भी खेलने में मजा आता है,
राइट अभी मुझे किसी नए गेम को स्ट्रीम करने के लिए उसमें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, हालांकि आई नो द फॉर्मेट ऑफ द अदर गेम्स ऑल्सो कि कैसे खेलते हैं क्या है, लेकिन जो स्किल लेवल इसमें डेवलप हुआ है वो स्किल लेवल उस गेम में नहीं होगा इनिशियल स्ट्रीम्स पे। क्या करें अभी, दुख तो बहुत हुआ है गाइज, बहुत दुख हुआ है। एक क्या बोले अभी, चलो गाइज एक हार्ट ब्रोकन वाली स्माइली हो जाए चैट में, स्पैम कर दो यार हार्ट ब्रोकन वाली स्माइली, स्पैम कर दो बॉयस हार्ट ब्रोकन वाली स्माइली। कौन कौन स्पैम करेगा, करो यार हार्ट ब्रोकन वाली स्माइली, एक एक दो दो स्माइली भेजना नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। एक एक दो दो स्माइली भेजो, एक एक स्माइली, एक एक स्माइली सब लोग, हार्ट ब्रोकन वाली स्माइली। आई एम इन डिप्रेशन, ऐसे मत करो, मूव ऑन गाइस, ट्राई टू मूव ऑन। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कोप अप विद ऑल दिस, मैं खुद से भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आगे होती हैं। वन शुड बी वर्सेटाइल एंड शुड बी एक्सेप्टिंग द चेंज। जल्दी से एक हार्ट ब्रेक वाली स्माइली स्पैम करो यार, बहुत दुख हो रहा है यार मेरे को तो, मतलब आई फील रियली सैड। बट देश सबसे ऊपर होता है तो ये भी सेक्रीफाइस हम कर देंगे। अगर ये 100% बैन भी हो जाएगा, जैसे अभी नहीं हुआ है, बैन भी अगर हो जाएगा तो भी मैं, मतलब आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। ठीक है, देश के लिए कुछ भी कुर्बान है, ये तो लोग तो अपनी जान तक कुर्बान दे चुके हैं, राइट। फ्रीडम फाइटर्स ने, आर्मी वालों ने, सभी लोगों ने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने, जिन घर वालों ने अपना बच्चा फौज पे सरहद में भेजा है लड़ने के लिए, उन लोगों ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया कि हमारा बच्चा वहाँ पे, तो वो सेक्रीफाइस ज़्यादा बड़ा है या हमारा सेक्रीफाइस, उनका सेक्रीफाइस ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो वी विल एक्सेप्ट वॉट इज हैपनिंग, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मूव ऑन। एवरीवन प्लीज़, कोई भी कुछ गलत कदम मत उठाओ, कुछ बुरा मत फील करो, आई नो बुरा तो फील होगा, बट स्टे काम, स्टे कलेक्टेड। ठीक है, इट्स टाइम टू स्टे टुगेदर, कोई नई गेम में घुसने का वक्त आ चुका है, टाइम हैज कम टू चेंज द गेम। बट सीरियसली मेरा तो बहुत दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा है मेरा तो यार, मतलब आई फील रियली बैड, मेरे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मैंने खुद से इतने कस्टम रूम कंडक्ट किए हैं, लोगों को यूसी भी गिफ्ट करी है, गिव अवे करी है। यूसी से पहले मैं आरपीज गिव अवे करता था, एक एक सीजन में 10, इतना छोटा चैनल होने के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर 1,000-1,500 थे, मैंने 10 आरपी गिव अवे किया था, किसी चैनल ने नहीं किया था, इतने छोटे चैनल ने। तो मैंने तो, मतलब आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल फॉर दिस एंड मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, आई एम सैड। अभी हमारे हाथों में कुछ नहीं है, जो सरकार ने किया है हमारे देश के लिए अच्छाई के लिए किया है, एंड वी शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो कोई भी बुरा मत फील करो, ट्राई टू स्टे कलेक्टेड। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है चैट में? अरे भाई मैं तो हो भी गया बैन आईफोन में। अच्छा, आईफोन में बैन हो गया आपका? ओ भाई, थैंक गॉड, इधर चल रहा है थोड़ा, देखते हैं कब तक चलेगा। आई वॉन्ट कि ऑन स्ट्रीम बैन हो जाए, ऑन स्ट्रीम गेम बंद हो जाए, इट शुड गेट रिकॉर्डेड एंड सबको, यूजर्स को पता चले कि भाई हाँ क्या हुआ है। ऑन स्ट्रीम अगर बैन होगा गेम तो मुझे भी लगेगा कि चलो ठीक है, एवरीबडी गॉट टू नो कि क्या हो रहा है। तो गाइज अभी क्या होगा, गवर्नमेंट का जो आईटी डिपार्टमेंट है, दे विल सेंड अ नोटिफिकेशन टू दी वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, जियो, ISP जितने भी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितनी भी कंपनियां, एयरटेल, जियो, ये सब जितने भी हैं, टाटा, सबको, तो इनको एक नोटिफिकेशन जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से टेलीकॉम इंडस्ट्री को जाएगा कि भाई ये है एप्लीकेशन है, इसको बैन करो। ठीक है, तो वो लोग एक फिल्टर डालेंगे कि ये सर्वर्स कनेक्ट ही ना हो सके। तो हाइड्रा गेमर, मैंने फर्स्ट रॉयल पास लिया था, आई फील सॉरी फॉर यू ब्रो, 7 days अनबैन। देखो ये सब रूमर्स हैं इंटरनेट पे, अभी ऐसा कुछ भी, कोई भी स्टोरी नहीं है कि ऐसा होगा। बट गाइस सबसे पहले लाइक करो यार, कितने लोग चैट में नए हो, लाइक कर दो यार जल्दी से, लास्ट स्ट्रीम करेंगे, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट होगी, मे बी कल शायद ना हो तो कल भी कर लेंगे। तो बट पबजी इज लाइफ गाइस, वी कंसिडर इट एज अवर लाइफ। फॉल गाइस खेल लो कुकरी भाई, यस फॉल गाइस खेल सकते हैं फुल बच्चोदी के साथ, पक्का खेल सकते हैं वो। एंड मुझे तो बहुत ही बुरा लगा यार, मेरा तो गाइस दिल टूट गया, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, बट आई फेल्ट रियली बैड यार। मतलब मैं जिस गेम के लिए इतना ज़्यादा पोसेसिव था, मतलब आई वॉज लाइक हार्ट एंड सोल दिया था यार बहुत लोगों ने, हार्ट एंड सोल दिया था। मैं तो चलो स्ट्रीमर हूँ, मैं गेम शिफ्ट कर लूँगा राइट,
मैं एक स्ट्रीमर हूं, मैं गेम शिफ्ट कर लूंगा। मुझे बुरा उनके लिए भी लग रहा है जिन लोगों ने ई स्पोर्ट्स में ट्राई करने के लिए एक नई डिवाइस खरीदी थी और उस पर उन लोगों ने स्ट्रीम करने की सोची थी और खरीद लिया था। ई स्पोर्ट्स के लिए मेहनत कर रहे थे वो लोग और कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते थे, और अभी सब बेकार हो गया भाई, सब बेकार हो गया। मतलब लोगों के फ्यूचर प्लान्स भी खराब हो चुके हैं इसकी वजह से। बट ये मतलब दिस इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। तो मैं तो बस क्या ही बोलूँ अभी, तो बहुत बुरा लग रहा है कॉम्पिटिटिव वालों के लिए। तो गाई सबसे पहले लाइक करो यार, भाई मैं आपका बहुत पूरा यूट्यूबर फैन हूँ। थैंक यू बैन होने के बाद भी बहुत बुरा हुआ एंड बुरा लगा। यस ब्रो मुझे भी बहुत बुरा लगा शुभम यार। तो एवरीवन प्लीज, दो जो भी लोग चैट में हो एक बार लाइक जरूर करना। हो सकता है लास्ट स्ट्रीम हो, क्या पता, गॉड नोस क्या होगा आगे। एंड सैड फॉर पबजी। यस गाइस आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड, और मुझे इसके अलावा और कोई गेम समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रीम करने के लिए फिलहाल। सीओडी मोबाइल भी खेल सकते हैं, आई हैव दैट गेम, बट पबजी इज पबजी यार। मतलब पबजी के अलावा कुछ नहीं है लाइफ। मतलब ठीक है, टेंशन मत लो सीरियसली, एंड बंद हो जाएगी बाय अ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया था। लेट्स सी गाइस कितना सच है कितना झूठ है, देखते हैं। वी आर डेफिनेटली वेटिंग, वी आर डेफिनेटली वेटिंग। ठीक है, कुछ ब्लू होल कंपनी कुछ करे, कुछ ब्लू होल कंपनी करे, टाइज तोड़ दे यार टेंसेंट के साथ। बहनचोद 1,30,000 लोग, एक 130 करोड़, सॉरी 130 करोड़ लोग हैं यार भारत में। यार कुछ तो करो यार, चेंज करो ना यार, 130 करोड़ लोग हैं, कुछ तो करो ना। करना चाहिए यार कंपनी वालों को, मतलब सोचना चाहिए, मतलब कि मतलब बहनचोद चाइना में ही है क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर सारे? बहनचोद इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, किसी को भी दे देते यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, यार किसी को भी दे सकते थे। बहनचोद चाइनीज से डेवलप कराया गेम चूती है कहीं के, सीरियसली यार। बहनचोद उन कोरोना वालों से डेवलपमेंट कराई है। इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, IIT हैं, NITs हैं, IIM वाले हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट है इंडिया के पास, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, इंडिया में डेवलपमेंट करा लेते हैं, साला डेवलपमेंट भी चूतियों ने चाइनीज से करा। मतलब सीरियसली आर यू सीरियस? चिंकी चाइनीज से तुमने बहनचोद, जिनकी आंखें नहीं खुल रही हरामजादों की, बहनचोद दिखता क्या होगा उनको, चूतिया, उनकी वजह से, उनकी जो भी कुछ हो रहा है ना गाइस, जो भी कुछ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सब हो रहा है चाइना की वजह से, ठीक है। ये हाँ, इसमें मोदी भाई, मोदी की बात गाइस देखो, इसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले होती है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रही है, पबजी के अंदर गड़बड़ है, तो उनको बैन करना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर, बट दिल तो हमारा टूटेगा, ठीक है। अब चाइना के अंदर गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप बैन है, ठीक है। चाइना के अंदर फेसबुक गूगल व्हाट्सएप कुछ नहीं चलता है, चाइना ने अपने खुद के सोशल मीडिया सब कुछ बना रखा है अलग अलग, चाइना ने, चाइनीज ने, ठीक है, उन्होंने सब कुछ अलग अलग बना रखा है। तो उन्होंने यूएस की कंपनीज बैन कर रखी हैं। कल को गाइस, कल को क्या होगा, कल को अगर इंडिया यूएस का झगड़ा हो गया और इंडिया ने यूट्यूब को बैन कर दिया, ठीक है, इंडिया बैन यूट्यूब या गूगल को बैन करेगा, तो स्ट्रीमर्स का क्या होगा गाइस, जो स्ट्रीम कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल से अपना घर चला रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है गाइस। कल को यूट्यूब बैन हो जाए, इंडिया में कुछ बात हो जाए, गूगल से झगड़ा हो जाए, कुछ तो बात हो जाए, यूएस से रिलेशंस खराब हो जाए, तो गूगल बैन हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्या करेंगे फिर, व्हाट वी विल डू? तो ये चीजें हमारे हाथों में नहीं है। आगे का प्लान ये गाइस कि कोई तो नया गेम हम स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी डू इट। आगे का प्लान ये, आप सीओडी खेलो, अब वो टेंसेंट नहीं है। यस, टेंसेंट ने अपने टाइज सीओडी से तोड़ दिए हैं, इसीलिए टेंसेंट बैन नहीं, इसीलिए सीओडी बैन नहीं हुआ है, ठीक है, वरना सीओडी भी बैन हो जाता, सीओडी भी बैन हो जाता, वरना बच गया सीओडी। सीओडी इसीलिए बचा है क्योंकि उन्होंने टेंसेंट से टाइज तोड़ दिए, कहा साले निकलो यहाँ से, तुम साले यहाँ रहोगे तो हमारा सीओडी मोबाइल जितना यूजर बेस है सब चला जाएगा। कांट डू एनीथिंग बॉयस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट, जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट दिखाया चैनल पे और मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच गाइस। जितने लोग नए हो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओ प्लीज। आज आप लोगों से बात करने के लिए ही थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा किया,
तो बैन टेंसेंट नॉट पबजी, क्या करें ब्रो, टेंसेंट ही डेवलपर है ना, तो टेंसेंट बैन करेंगे तो पबजी भी बैन होगा, क्योंकि पबजी का जो डेवलपमेंट है वो टेंसेंट ने किया है। पबजी पीसी का डेवलपमेंट साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने किया है, बट टेंसेंट ने पबजी मोबाइल को बनाया है। दैट्स द प्रॉब्लम, ये चाइनीज़ हैं ही हरामजादे, इन लोगों ने सबका साथ सबके साथ ऐसा किया है। दिस इज़ बैड। ठीक है, वी हैव टू ओवरकम। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना गाइस, क्योंकि आप देखो कैसा है कि आप आओ मत, आप आओ स्ट्रीम पे 2 मिनट के लिए आओ, 5 मिनट के लिए आओ, 1 मिनट के लिए आओ, लेकिन आओ एक लाइक ज़रूर करके जाओ, डेली आओ गाइस, क्योंकि कैसा है कि हम स्ट्रीमर्स को आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। ठीक है, तो चाहे कोई भी गेम मैं खेलूँ, मारियो खेलूँ, कॉन्ट्रा खेलूँ, NFS खेलूँ, फीफा खेलूँ, कोई भी गेम खेलूँ, ठीक है, तो आप लोग स्ट्रीम पे ज़रूर आओ, ज़रूर 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 आओ, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि आप लोग नहीं रहोगे तो फिर हमारा क्या होगा, राइट? तो आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है, आप लोगों की वजह से ही हम हैं। खुकरी टीवी गेमिंग इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, आप सभी की वजह से, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है, तो आप ज़रूर आओ चैनल पे, एक एक लाइक ज़रूर करके जाओ, बिकॉज आपके एक लाइक से हम लोगों को बहुत सपोर्ट होता है। किसी भी स्ट्रीमर, कोई भी स्ट्रीमर है पबजी मोबाइल का जो एक्सक्लूसिवली पबजी मोबाइल स्ट्रीम करता है गाइस, उसकी स्ट्रीम पे जाओ, चाहे उसके 10 सब्सक्राइबर हैं, 20 सब्सक्राइबर हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं, डजेंट मैटर, जाओ उसको सपोर्ट दिखाओ, बिकॉज किसी बंदे ने अपना फ्यूचर डिसाइड करने का सोचा था इस गेम से, और अभी गेम बैन है तो बेचारा क्या करेगा, वो मम्मी पापा से पैसे लेके मोबाइल लिया स्ट्रीम करने के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को सिनेरियो पता है कि मम्मी पापा नहीं दिला सकते, इतने पैसे नहीं होते हैं सबके पास। ठीक है, तो जस्ट ट्राई एंड सपोर्ट, जिसकी भी स्ट्रीम दिखती है लाइक ठोक के जरूर आओ, उसको बोलो भाई मैं तेरे साथ हूँ, सपोर्ट दिखाओ सभी को, बिकॉज इट इज़ टफ टफ टाइम फॉर ऑल दी स्ट्रीमर्स, दोज हु आर स्ट्रीमिंग पबजी मोबाइल, सभी के लिए, सभी के लिए, जिनका चैनल 1 मिलियन के पार हो गया, 2 मिलियन के पार हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उनके लिए ठीक है, दे हैव स्टिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है गाइस, मॉडल के लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी के लिए। तो प्लीज़ जो भी लोग पबजी मोबाइल स्ट्रीम करते थे ना, उन सभी के लिए प्लीज़ जाके आप लोग बने रहना, मत उनको छोड़ना, ज़रूर उनको लाइक करना, ज़रूर उनको बोलना भाई हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा,